हेलो, शाद लव लाइफ में आप सबका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। जी हाँ, आज है फ्राइडे, जुम्मा मुबारक, और हैप्पी फ्राइडे टू एवरीवन। वीक काफ़ी ही बिजी था बट अच्छा था। आपको दिखाती हूँ मैं अभी क्या कर रही हूँ। ये मैं कर रही हूँ पैकिंग, डिसाइड कर रही हूँ ये बैग या ये बैग। वैसे मुझे लग रहा था ये बैग बड़ा है क्योंकि ऐसे साइज़ में बड़ा दिखता है, बट एक्चुअली इसकी कैपेसिटी सेम है इस बैग की तरह। क्यों कर रही हूँ मैं पैकिंग? क्योंकि फरहान एक्चुअली जा रहे हैं अपने कैबिन ट्रिप में अपने बॉयज़ लोग के साथ। इट्स काइंड ऑफ अ बैचलर पार्टी। जैसे लास्ट वीक आपने देखा था, संदीप भाई का बर्थडे था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस वीकेंड वो लोग सारे कैबिन में जाएंगे, सारे बॉयज़। तो वो लोग जा रहे हैं, तो मैं कर रही हूँ उनका पैकिंग। और पैकिंग में मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि सब कुछ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, मेडिसिन बैग। इसमें सारे इम्पॉर्टेंट एलर्जी के मेडिसिन्स हैं, फर्स्ट एड किट है, और डाइजेशन के जो भी हैं वो सारे हैं, क्योंकि सब खाना पीना तो करेंगे तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है। तो मैंने मेडिसिन का पूरा, और ये मैं बहुत इम्पोर्टेंटली ये पहला चीज़ मैं पैक करती हूँ वो है मेडिसिन किट। आपको दिखाती हूँ। तो बैग ही है और कुछ मेडिसिन गिर गए। सो देखिए कितने अच्छे से इसमें मसल स्प्रे है, मैंने इसमें सैनिटाइज़र भी दिया हुआ है, और ये सारे दवाइयाँ हैं ठंडे के स्प्रे। लोग सोच रहे होंगे कि आई मीन ही इज़ जस्ट गोइंग फॉर 2 डेज़, तो इतने सारे मेडिसिन की ज़रूरत क्यों है? बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सब हैंडी रखना चाहिए क्योंकि ये लोग केबिन में जा रहे हैं। हाँ, वहाँ पर स्टोर्स होते हैं जो आपको मिल जाएंगे ये सारी दवाई, लेकिन फिर घर पे है और बैग है और गाड़ी में जा रहे हैं तो टेंशन क्या है, ले लेना चाहिए। सो ये मैंने पैक कर दिया मेडिसिन के बैग। तो ये तो हो गए बाकी के कपड़े की पैकिंग। ये स्नो पैंट डालना है जो इसमें जगह नहीं होगा। मैंने दोनों बैग्स में ट्राई किया बट आई थिंक इट्स टू बिग, तो मैं इसे सेपरेट बैग में डालूंगी। और ये है स्लीपर्स के बैग, क्योंकि एक स्लीपर तो चाहिए। शूज़ ये लोग पहन के जाएंगे तो उसका टेंशन नहीं है। ये सारे पैक हो गए। टॉयलेट्रीज, ये अंडर द सीट बैग है और काफ़ी अच्छा है, कम्पैक्ट है लेकिन बहुत सारे स्पेस हैं। तो हो गई है हमारी पैकिंग। अभी ये लंच टाइम, और पता नहीं क्यों मुझे ऑमलेट खाने का मन कर रहा था, तो बना रही हूँ मैं ऑमलेट। माय स्टाइल। एक्चुअली अभी कुछ दिन नीचे जब अजहान का तबीयत ख़राब था तो उसने यहाँ पे वॉमिटिंग कर दी थी, और हमने साफ़ किया था लेकिन स्मेल बहुत आ रही थी, तो हमको लगा अब वेट वैक्यूम से इसको वॉश करना पड़ेगा। तो ये जो वैक्यूम है ये एक्चुअली बहुत अच्छा है, ये वॉश करता है और रिंस भी करता है। ये वेट वाला है, तो ये देख सकते हैं आप डिफरेंस कि जब हम क्लीन कर रहे हैं बाकी के कैसे हैं। इसके दो चैम्बर्स हैं जहाँ पर एक सल्यूशन डाल सकते हैं और एक में आप पानी डाल सकते हैं। तो वो पहले सल्यूशन जाएगा साबुन वाला, वो अच्छे से इसको धोएगा और फिर आप पानी से उसको रिंस कर दें और फिर उसको सूखने के लिए छोड़ दें। तो आप ये देख सकते हैं ये जो जिसमें वहाँ वॉश नहीं हुआ है और ये जो वॉश हुआ है जिसके रेशे भी खुल गए हैं। ये शुरू हो रही है बॉयज़ लोगों की ट्रिप, और ये देखिए सामान सारे रख रहे हैं, अभी लोग निकलने वाले हैं। तो मैं यहाँ आई हूँ उनको सी ऑफ करने और कुछ पिक्चर्स लेने। सो आई जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा जो मुझे फरहान ने भेजा अपने ट्रिप का। और फिर ये लोग ये घर में पहुंच गए। ये होता है एयरबीएनबी या बीआरबीओ जैसे जो कंपनीज़ होती है, वो लोग क्या करते हैं कि जो लोग अपना एक अपना घर को ऐसे वेकेशन होम्स के लिए रेंट करते हैं। तो ये पूरा घर जैसे माहौल है, सब कुछ है यहाँ पर। मैंने बोला, फरहान ने मुझे भेजा दिखाने के लिए कैसा है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करें। देखिए यहाँ पर सब कुछ है, बर्तन है, कपलेट्स है, पकाने के लिए है, कुछ थोड़े थोड़े स्पाइसेस भी हैं, और मतलब घर जैसा पूरा माहौल है यहाँ पर। और आपको सब कुछ मिलेगा, चादर, बेड्स, बेडशीट्स, टॉवल्स और टॉयलेट्रीज, सब कुछ मिलेगा। और ये घर जैसा फीलिंग आएगा जैसे आप बड़े से घर में, क्योंकि अगर आप होटल में रहेंगे आपको अलग अलग रूम्स में रहने पड़ेंगे, बट ये क्या है आप एक घर में रह रहे हैं।
और एक अलग लोकेशन में रह रहे हैं। ये लोकेशन बहुत ही सुंदर थी और सोचा आपको भी दिखा दे कि ऐसा यहाँ पर जब ट्रिप करने आप जाते हैं फैमिली के साथ या दो तीन फैमिलीज़ मिल के जाते हैं तो इतना बड़ा घर हम लोग रेंट पे लेते हैं, जैसे दो दिन तीन दिन जैसा भी आपको चाहिए, एक हफ़्ता आप ले सकते हैं। और घर जैसा माहौल ही मिलेगा आपको, किचन मिलेगा सबसे मेन, अगर आपके पास बच्चे हैं, आपको खाना बनाना है या फिर आपको खाना बना के खुद से खाना, ऐसे बाहर जाके नहीं खाना। तो जैसे यहाँ पे स्नो होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर घर में ही रहें, बाहर यू नो ऐसे ग्रिल कर लिया या बाहर बैठ के थोड़ा देर के लिए, बट ज़्यादातर हम लोग घर में ही रहते हैं। बट बस माहौल चेंज होता है घर से दूर किसी और घर पे, तो ऐसे आप रेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सारे फैसिलिटीज़ हैं, कितनी अच्छी जकूजी है, टॉयलेट्रीज, हर चीज़ मौजूद थी। यहाँ चार रूम्स थे और जैसे ऐसा लग रहा है किसी के मतलब किसी अपने दोस्त के ही घर गए हैं ऐसा फील होता है। तो ये था और ये देखिए जा रहे हैं बेसमेंट। बेसमेंट में भी बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। यहाँ पर देखिए एक बेडरूम है और अगर आप जाएं तो यहाँ पर टीवी है, सिटिंग एरिया है। तो ये सारे फैसिलिटीज़ इस घर में थे जो इन्होंने दो दिन के लिए, इन्होंने टू नाइट्स के लिए रेंट किए हुए थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत सारे गेम्स भी थे, ये आप देख सकते हैं कितने सारे गेम्स है। और ये काफ़ी बड़ा घर था और क्योंकि ये लोग अराउंड 6 to 7 पीपल थे तो काफ़ी बड़ा घर था। देखिए वैक्यूम भी अवेलेबल है अगर आपको करनी है, बर्तन धोने की भी सामान है, सब कुछ है यहाँ पे, इतने अच्छे अच्छे गेम्स हैं। तो बेडरूम्स भी बहुत सारे थे तो आपको सोचा दिखा देते हैं यहाँ पर कैसा होता है वेकेशन होम्स। और कितने अच्छे से ये लोग साफ़ करके जाते हैं, तो जो ओनर होते हैं वो ही मेंटेन करते हैं इसको, कभी कभी वो कंपनी वालों को भी दे देते हैं कि आप मेंटेन कीजिए। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप जब ऐसे एयरबीएनबी या बीआरबीओ जैसे इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट हो जाते हैं तो कस्टमर लाना उनकी ज़िम्मेदारी हो जाती है, आपको इसकी स्ट्रगल करनी नहीं पड़ती है। तो आप अगर जा रहे हैं, अगर वो ओनर जा रहे हैं वेकेशन के लिए, ऑब्वियसली वो अपने वेकेशन होम के लिए रह सकते हैं, बट जब नहीं रहते हैं तो वो पूरे साल वो खाली रहता है या फिर जो जो टाइम वो खाली रहता है वो रेंट पे लग जाता है, तो पैसे भी आ जाते हैं। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी होता है, बट आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आप मेंटेन करें। और ये सब जो होता है थोड़ा सा जैसे हिल स्टेशंस जैसे आप बोलते हैं ना, थोड़ा सा अलग एरिया में, पहाड़ी इलाका हो गया, थोड़ा सा इंटीरियर्स में हो गया, वैसे जगह में ही होता है। तो ये सारे घर तो लोग क्या होता है, जो ओनर्स होते हैं वो हो सकता है मेन शहर में रह रहे हों और उन्होंने एक वेकेशन होम ले लिया, अब भी वेकेशन होम पूरे टाइम क्या करेंगे तो रेंट पे दे देते हैं। देखिए यहाँ क्रिब व्रिब सब कुछ है, डॉल्स है, तो ये लोग आके रहते भी हैं, जो ओनर है ये उन्हीं के सामान है तो वो आके रहते भी हैं, और जब नहीं रहते हैं तब इसको रेंट पे दे देते हैं। तो लोग वेकेशन आते हैं, मनाते हैं और सब फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल होता है। देखिए बच्चे का क्रिब तक अवेलेबल था। ये देखिए यहाँ पर नज़ारा तो बहुत ही हीटेड नहीं है आगे, लेकिन ये पोर्च है, समर में एक्चुअली अच्छा लगता होगा यहाँ बैठने के लिए क्योंकि सामने लेक है और यहाँ पर बोटिंग भी आप कर सकते हैं, अगर क्योंकि इनका खुद का बोटिंग पार्किंग भी है तो आप बोट को पार्क कर सकते हैं यहीं पे। और शायद यहाँ पर फायरप्लेस भी है कि आप बैठ सकें, बट बहुत ही, ये देखिए ये लेक है, पूरा फ्रोज़न लेक है तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, स्नो से भरा हुआ। तो विंटर में भी ये खूबसूरत होती है, आप कहीं और जाके वक्त गुजार सकते हैं। हेलो, अभी शाम के एक्चुअली 8 बज रहे हैं, फरहान गए और अभी अजहान और मैं हैं, हम भी बाहर जा रहे हैं क्योंकि स्नेहा ने कहा, क्योंकि सारे लेडीज़ और बच्चे ही रह गए तो चलो इकट्ठा होते हैं, हम भी थोड़ा मस्ती करते हैं, तो हम जा रहे हैं बट जल्दी आ जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं रुकने वाले बिकॉज़ अजहान एकदम पता नहीं नींद में ही लग रहा है, बट हम जल्दी जाके जल्दी आ जाएंगे। ओके तो चलते हैं। हेलो,
अभी मैं घर से निकल के आई हूँ लीना के यहाँ उनके घर, क्योंकि मुझे उन्हें जबरदस्ती पिकअप करना है, क्योंकि उन्होंने मना किया था वो नहीं आएंगी। ये रही, देखिए, हाय, मना किया था तो मैं उन्हें जबरदस्ती यहाँ लेने आई हूँ। ठीक, गो प्रीशा, गो। लीना बहन रेडी हो गई है, बट जो होस्ट है वो अभी तक आया नहीं है घर। तो हम वेट कर रहे हैं कि जो होस्ट है वो घर आए तब हम जाए, वरना हम बाहर ही खड़े रहेंगे ठंड में। ओह नो, अब हम पहुंच गए हैं स्नेहा के घर और आज हमारा गर्ल्स पार्टी होने वाला है, क्योंकि और हम बनाने वाले हैं मैगी। ये देखिए स्नेहा द होस्ट। या आई एम इन माय पीजेस राइट नाउ। और लीना बहन को हम उठा के लेके आए, लीना बहन को अपने घर से। ये देखिए स्नेहा चीज किससे ग्रेट करी, शो मी द ग्रेटर। ये हमें अगले साल मिलेगा ये खाना, क्योंकि इससे ग्रेट हो रहा है। ये तो लिपस्टिक लगा के तो जा रही है, कौन से फ्लाइट में जा रही है ये देखिए। ये पता नहीं कल रात तक बैठ के कमल पाक का और वो सब कर रहे थे, कल पाक क्या कर लिया। मैगी मैगी में कट रहे प्याज टमाटर बन रही है मेरी स्पेशल मैगी। मैंने डाल दिया है लहसुन प्याज बातचीत कर रहे हैं और मैं बना रही हूँ। हो गई हमारी मैगी रेडी, अब हम जा रहे हैं खाने। अब ये है इंडियन स्टाइल मैगी खाना। नीचे चटाई पे बैठ के देखिए अब हम मैगी खाने वाले हैं। देखो लीना बहन सबको सर्व नहीं की, खुद का लियो बैठ। अभी बज रहे हैं रात के 12 और अब हम जा रहे हैं घर से। बाय गाइस, बाय। आज हमने रील नहीं बनाई फॉर अ चेंज। जैसे आज मैं जो 2 मिनट में आज शायद ने नूडल्स बनाई रील मैगी का से। बाय नहीं चाहता अभी। तो ये था मेरा आज का दिन, द हैपनिंग फ्राइडे। अल्हम्दुलिल्लाह घर वापस आ गए हैं और अजान सो गया है। अजान बहुत टायर्ड था, रास्ते में ही सो गया है, बट जस्ट निकल रहे थे और हम अलीना भी मेरे साथ थी, उनकी बेटी भी मेरे साथ थी और मुझे उन्हें घर ड्रॉप करना था। और इंटरनल रोड में हम करीबन 30 के भी कम स्पीड से चला रहे थे बिकॉज इंटरनल रोड था, बट सामने से एक गाड़ी इतनी स्पीड से आ रही थी कि उसने सडनली हमारी गाड़ी को, एक टर्न था तो उसने सडनली हमारी गाड़ी को देख के उसने कैसे उसने सही टाइम पे गाड़ी को मोड़ लिया, क्योंकि हम अपने ही लेन में थे, वो हमारे लेन पे आ रहा था और उसने अपनी गाड़ी को मोड़ लिया। उसकी गाड़ी स्किड भी की बट वो वैसे ही स्पीड से चला गया। बट हम थोड़ा शॉक पे रह गए थे क्योंकि हमें हमेशा बच्चों का ख्याल आता है, तो मुझे बच्चों का सोच के मुझे थोड़ा डर लगा था, बट अल्लाह का शुक्र है हम सही सलामत घर आ गए। तो हमेशा जब भी बाहर निकले अल्लाह से दुआ मांग के निकले, अपने मज़हब में जो भी आपका दुआ है, जैसे हमारे मज़हब में आयतुल कुर्सी और दरूद शरीफ है जो कि हमेशा पढ़ के निकलती हूँ, तो आप भी वही आपके मज़हब में जो भी है हमेशा पढ़ के निकले ताकि अल्लाह आपको हर मुसीबत से बचाए। तो अपार्ट फ्रॉम दिस अल्हम्दुलिल्लाह दिन अच्छा था। मैंने आपको वो भी दिखाया जो फरहान जहाँ गए हैं वो कैसा रूम है, तो आई होप आपको वो अच्छा लगा हो, दोस्तों से भी मिले तो अल्लाह का शुक्र है दिन अच्छा गया। तो आज के लिए बस इतना ही, कल क्या होने वाला है मुझे पता नहीं। बट जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, क्योंकि हर दिन अच्छा ही जाता है, अच्छा सोचते हैं अच्छा करते हैं और अच्छा ही होगा।
तो इसी नोट पे आपसे आज के लिए विदा लेती हूँ. अल्लाह हाफिज, शब खैर, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड चाओ.